पुजारी होता है वो सुबह से शाम तक बैठा रहता है, हमें बेवकूफ बना के पैसे खाता है। जब वो अपनी किस्मत नहीं चेंज कर सकता तो हमारी क्या चेंज करेगी। जो भिखारी होते सुबह शाम तक मंदिर में बैठे होते हैं, उनका कुछ नहीं होता है तो हमारा क्या होगा। कभी मंदिर जाके अपने पैसे नहीं वेस्ट करना चाहिए पूजा प्रसाद में और ब्राह्मणों के चक्कर में। वही पैसे अपने घर में यूज करो, अपने बच्चों की शिक्षा में लगाओ। क्योंकि हस्बैंड के साथ जब तक औरत नहीं होगी, हस्बैंड मेरा ये मानना है आगे नहीं बढ़ सकते। उनको मोटिवेट औरत ही अपने परिवार और अपने घर को करती है, इसलिए औरत को आगे जरूर आना चाहिए। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज यहाँ पर बहुजन एकता सम्मेलन आयोजित किया गया है दिल्ली में। अगर आप आसपास से ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइए। और मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, पुरुष भी संख्या में मौजूद है, अपने बच्चों के साथ यहाँ आई हैं। मैम, क्या कहेंगी हमारे समाज के लिए जब महिलाएँ बेबस लाचार होकर घरों में बैठी हैं और आप अपने बच्चों के साथ कड़ी धूप में यहाँ मौजूद हैं? मैं यही कहूँगी कि हर औरत को अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बाहर निकलना चाहिए, और निकलना ही पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। वरना जो हमारी लाइफ पिछले थी वैसी ही रहेगी जी। और ज़रूर निकलना चाहिए, आप सब लोग निकल के रहिए। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने MA फिर तक किया है। अच्छा, तो आप तो सशक्त हैं, तो जागरूक हैं, लेकिन हमारी महिलाएं जो पूजा पाठ कर्म कांड में मौजूद हैं उनके लिए क्या कहेंगी? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि जो पुजारी होता है वो सुबह से शाम तक बैठा रहता है, हमें बेवकूफ़ बना के पैसे खाता है। जब वो अपनी किस्मत नहीं चेंज कर सकता तो हमारी क्या चेंज करेगी। जो भिखारी होते सुबह शाम तक मंदिर में बैठे होते हैं, उनका कुछ नहीं होता है तो हमारा क्या होगा। और कभी मंदिर जाके अपने पैसे नहीं वेस्ट करना चाहिए पूजा प्रसाद में और ब्राह्मणों के चक्कर में। वही पैसे अपने घर में यूज़ करो, अपने बच्चों की शिक्षा में लगाओ। लेकिन महिला तो घर की गहना होती है, इज्जत होती है, आपको तो घरों की चार दीवारी में रहना चाहिए। हाँ, इज्जत हूँ, क्यों नहीं हूँ मैं, क्यों सड़कों पर आके क्या मर्दों की दुनिया में क्या कर। आज के लिए आगे बढ़ रही हूँ मैं, बिल्कुल इज्जत हूँ और इज्जत से खड़ी हूँ। देखिए, इनका जब आप गेटअप देखेंगे तो ये फील नहीं होगा कि ये महिला है या पुरुष है। एक समानता का जो सिंबल है वो महसूस होगा, इक्वलिटी की आपको फील होगी कि इक्वलिटी जो बाबा साहब चाहते थे कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा समाज में उतनी ही भागीदारी साबित हो जितने बाबा साहब चाहते थे। सोचिए, ये तस्वीर जो है ये आपको सावित्रीबाई फुले की याद दिलाएगी, ये तस्वीर जो है वो बहन जी की याद दिलाएगी, ये तस्वीर जो है तमाम उन महिलाओं की याद दिलाएगी फातिमा शेख की तरह, जो इस समाज की दृष्टि को बदला, शिक्षा के द्वार खोले महिलाओं के लिए। मैम, क्या कहेंगी हमारी महिलाएं जो हार मान के बैठी हैं, जो कहती हैं कि बदल नहीं सकती? हार नहीं मानना चाहिए और हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी सफलता ऐसे बेकार नहीं जाती है, मेहनत हमेशा सफलता मिलती ज़रूर है। और हम जब तक महिलाएँ आगे नहीं आएंगी हमारा समाज मजबूत नहीं बनेगा। अच्छा, बहुजन महिलाओं को आंदोलन में आने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हस्बैंड के साथ जब तक औरत नहीं होगी, हस्बैंड मेरा ये मानना है आगे नहीं बढ़ सकते। उनको मोटिवेट औरत ही अपने परिवार और अपने घर को करती है, इसलिए औरत को आगे ज़रूर आना चाहिए। देखिए, इन्होंने एक बात बोली कि पुरुषों को मजबूत स्तंभ देती है महिला, और महिलाएं जब प्रोग्रामों में, सम्मेलन में, कार्यक्रमों में जब पार्टिसिपेट करेंगी तो उनको राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी। बाबा साहब जो चाहते थे कि मैं उस समाज की दृष्टि महिलाओं की कंडीशन से मापता हूँ, जिस समाज की दशा अगर बेकार है, अगर महिलाओं की दशा अच्छी नहीं है तो समाज की दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी महिलाएं संसद जाए, आपकी महिलाएं वाइस चांसलर बने, आपकी महिलाएं कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुँचे, आपकी महिलाएं SPDM बने, तो अपनी महिलाओं को इन्हीं की तरह आपको आंदोलन में लेके आना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा, उनको कर्म कांडों से बाहर निकालकर उनको कलम की ताकत की ओर लेके जाना पड़ेगा। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।